डिलीवरी फीस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार काफी टाइम हो गया एंड मैं कोई ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी। या मेरे को टाइम नहीं मिलता, जैसे मैं कर नहीं पा रही हूँ, छोटे छोटे वीडियो से ही आपको एंटरटेन कर रही हूँ। बट हाँ, आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ एंड आज मैं अंडे की भुचड़ी बनाने जा रही हूँ। सो जो जो मेरे नॉन वेज वाले फूड फैन है उनके लिए तो गुड न्यूज है, बट जो मेरे वेज वाले फूड फैन वो प्लीज गुस्सा मत करना, मैं आपके लिए भी यमी यमी डिलीशियस फूड लेकर आऊंगी। तब तक आप मेरे ये अंडे की भुजी बनाने वाली रेसिपी देखते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने सारी वेजीज को एकदम छोटे छोटे चॉप कर लिया है एंड ऑल्सो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, लाइक कैप्सिकम, बीन्स एंड ऑल। और मैं इसको बटर में बना रही हूँ, आपके घर में जो भी ऑयल है आप उसमें बनाना, बट थोड़ा सा बटर में ना टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है, नथिंग एल्स। एंड मैंने इसमें चिली और अनियन डाल दिया, अनियन का आप कलर चेंज होने मत देना, हल्का फुल्का सौते करने के बाद आप इसमें टोमेटोज ऐड कर देना, लाइक बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो मैंने इसमें शेजवान ऐड कर दिया, आप चाहो तो स्किप कर देना, कुछ बच्चे वगैरह होते हैं तो वो नहीं पसंद करते। एंड या आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें एग्स भी ऐड कर लो, जैसे कि अकॉर्डिंगली यार, जैसे जितने मेंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लो, ये तो सबको पता होता है। नाउ अब इस टाइम जब आप एग ऐड कर रहे होते हो ना, फ्लेम थोड़ा सा स्लो रखना बिकॉज ये ना बर्न आउट हो जाता है। सो आप इसको तब तक मिक्स करो जब तक ये थोड़ा हल्का फुल्का ड्राई ना हो जाए। मेरे को वेट पसंद है बट इसमें थोड़ा ड्राई हो गया है। एंड नाउ मैंने इसमें थोड़ा सा पीनट ऐड कर दिया क्योंकि इसका क्रंचीनेस ना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ ऐसे ट्राई करना। नाउ अब ये मेरा रेडी हो गया, सो मैं इसको सर्व कर रही हूँ। एंड इसमें मैंने थोड़ा सा नमकीन भुजिया भी ऐड कर दिया है क्योंकि वो और अच्छा लगता है। एंड थोड़ा सा मिक्सअप, एंड यस इसमें आप लेमन ज़रूर स्क्वीज़ करना क्योंकि उसका सारनेस बहुत अच्छा लगता है। एंड लास्ट में थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल कर दो। नाउ अब ये हमारा एग भुजी रेडी हो गया है। ये देखो मेरी अंडे की भुजी रेडी हो गई है एंड देखने में काफी यम लग रहा है ना। जैसे यार ये कोरिएंडर का जो ये फ्रेशनेस होता है ना, ये तो काफी गजब लगता है, स्मेल भी अच्छी आ रही है फ्रेश फ्रेश। तो ट्राई करते हैं, अब ज्यादा वेट नहीं कराते हैं। ओके सो ये मैं लेती हूँ बाइट एंड इसको करते हैं हम ट्राई। वन मोर बाइट। सुपर डिलीशियस, सुपर डिलीशियस, बहुत अच्छा बना है। वो लेमन का थोड़ा सा खट्टापन एंड क्या बताऊँ यार, इतना ज़्यादा यम है ना, प्लीज़ आप लोग इसको ट्राई करना, बहुत इजी है, इंस्टेंट है। एंड दिस ऑल्सो जिम वगैरह जो भी करते हैं ना उनके लिए भी ये बेटर ऑप्शन है, इंस्टेंट बन जाता है। सो ट्राई करना है एंड बहुत यम लग रहा है, प्लीज़ जरूर ट्राई करना। एंड हाँ, इस अंडे के भुजड़ी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ आप जो भी मेरे ये वीडियो देखो ना, एक सब्सक्राइब एंड ऑल्सो जितना भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करना, तो मैं और यम्मी यम्मी कंटेंट लेकर आऊंगी। तब तक मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आप लाइक शेयर कमेंट ठोक डालो। ओके बाय बाय।